हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो बब गैजेट्स। और आज की इस वीडियो में हम इस फोटो को इस तरह से एडिट करेंगे, वो भी सिर्फ स्नैपसीड के अंदर। तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच करना है, और दो तीन स्टेप्स के अंदर इस फोटो को हम एडिट करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस फोटो को शेयर कर लेंगे, किस में, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। नहीं है तो आप, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस पर आप जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन इधर दिखाई देंगे, एक पेंसिल वाला ऑप्शन, एक दूसरा। आपने क्या काम, पेंसिल वाले ऑप्शन पर टैप करने और नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाने, मुख्तलिफ किस्म के और भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन इन सब पर नहीं जाना है। और जो ब्लैक एंड वाइट वाला जो ऑप्शन है ना, इस कॉर्नर पर जो इधर मैं टैप करूँगा इस पर जाना है, और डार्क वाला ऑप्शन इधर आपने रख देना है। डार्क वाला ऑप्शन रख के इधर आपने टैप करना है, ब्राइटनेस को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, या थोड़ा सा कम कर देना है इसको। ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी फ़ोटो की ब्राइटनेस थोड़ी सी हल्की सी, इसको कम या ज़्यादा करके हम चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम ब्राइटनेस को थोड़ा सा -16 पे ले आएँ, ठीक है। आपने इधर क्या करना है, इधर से इसको डन करना है। डन करने के बाद ऊपर आपने जाना है इस एरो वाले निशान पे, और व्यू एडिट्स पे आपने चले जाना है, ठीक है। और इधर आपने इस जो एरो का निशान बना है इस पर टैप करना, पेंसिल वाले निशान पे दोबारा से जाके इधर कॉर्नर पर जो आपको गोल सा आप जो सर्कल सा बना हुआ इस पर आपने टैप करना है। टैप करने के साथ आपने क्या काम करना है, इसको जूम कर लेना है, पिक्चर को जूम करने के साथ आपने ऊपर इस पर टैप करते जाना है, ठीक है। इस तरह से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल करते जाना है, सिर्फ आपने अब इसके बालों पे नहीं करना है, ठीक है, मॉडल के बालों पे नहीं इस तरह टैप करना है, सिर्फ हम क्या काम करेंगे, स्किन पे टैप करेंगे और स्किन को कलर देंगे। बाकी हमने क्या काम करना है, ब्लैक ही रखना है आर एसा, चाहे वो ऊपर बाल हों या दाढ़ी के बाल हों, ठीक है। आपने क्या काम करना है, इन सबको उसी तरह से रखना है। इसको हम मैं इधर से सेट कर देता हूँ, ये मैं इधर से इसको इन सबको सेट कर दिए, ठीक है। अब मैं इधर से भी आहिस्ता आहिस्ता से करूँगा। अगर आपको किसी जगह से गलत हो जाता है, तो मिसाल के तौर पर ये इधर से गलत हो गया, तो आपने क्या, इस एरो वाले निशान पर जाना है, इसको 100 करके इसको दोबारा से आप सेट कर सकते हो। फिर दूसरे वाले एरो पर जाके इसको कम करना है, 0 दोबारा से करना है, ये इधर से दोबारा जाके आपने इसको 0 करना है, और फिर दोबारा से आप अपना काम आगे जारी रख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अगर गलत हो जाए तो किस तरह से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इधर से भी इसको हल्का हल्का सा टच दे के इसको सेट कर देना है। फिर आपने इधर से क्या काम कर देना है, इसको डन कर देना है। डन हो चुका है इधर से, अब हम फोटो में जो बकाया काम है, बकिया काम वो हम करेंगे कि आगे फ़ोटो को थोड़ा सा शाइनिंग बनाना है, थोड़ा सा बेहतरीन खूबसूरत बनाना है। तो हमने क्या काम करना है, टून इमेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और ब्राइटनेस को हमने हल्का सा कम करना है, ठीक है। ब्राइटनेस को हमने कम करना है, ठीक है, ये -8 रख दिया। कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाना है आपने, +10 रख देना है। जो सेचुरेशन है उसको आपने +4 रख दिया है, लेकिन +4 ठीक है। तो आगे हम दूसरे जो ऑप्शन है उनको +4 रख देता हूँ, हाइलाइट्स को -10 रखता हूँ, शेडोज़ को -8 रख रखती है, और वार्म्थ को हल्का सा कम कर देना है, -4 या 5 रख देना है आपने, ठीक है, या -1। इधर चीज़ कंप्लीट हो चुके। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पे हम जाएंगे, किस वाले ऑप्शन पे, वाइट बैलेंस वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे, ठीक है। वाइट बैलेंस वाले ऑप्शन पर जाए, टेम्परेचर को हमने कम करना है थोड़ा, तो ये टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को, मॉडल के टेम्परेचर को कम करना है, -4 रख दिया हमने। इधर से -1 या -2 रखना है, और टेंट को आपने -4 या 1, 2, 3 जो भी रखना है रखना चाहते हो, तो अपने फ़ोटो के मुताबिक आप रख सकते हो। तो उधर से आपने इसको डन कर देना, ऊपर जो डन वाला ऑप्शन है उधर से जाके आपने इसको सेव कर देना है। तो कैसी लगी आपको आज की ये शॉर्ट सी फोटो एडिटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।